डिसोसिएटिव फ्यूग स्टेट करके एक बीमारी है मानसिक, उसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। तो मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा विषमतज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। डिसोसिएटिव फ्यूग करके जो एक मानसिक बीमारी है, उसमें होता क्या है कि अचानक अनपेक्षित व्यक्ति घर से बाहर निकल जाता है, या काम की जगह काम करते करते एकदम अचानक निकल जाता है या घर से बाहर निकल जाता है और वो कहीं तो भी नई जगह जाके वहाँ रहना चालू करता है। वहाँ वो नया नाम लेता है, नई आइडेंटिटी लेता है, नए आइडेंटिटी के बारे में भी उसको बहुत कुछ मालूम नहीं रहता। जो नया नाम या नया नई आइडेंटिटी लिया, नया व्यक्तिमत्व तैयार हुआ, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हो और अतीत के बारे में भी कुछ बोल नहीं सकता, वो भी भूल जाता है। अतीत पास्ट मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, ऐसा वो कुछ भी नहीं भूल सकता, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता हो। और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, अभी क्या करने वाला हूँ, मेरा इरादा क्या है, मेरा नाम क्या है, मतलब ऐसा कुछ भी वो ठहरा के कुछ बोलता नहीं, कुछ भी वो बोल देगा, कुछ बोल देगा और वहाँ रहना चालू करेगा। लोगों को बाहर से कुछ दिखेगा नहीं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है करके। ये लोग अनप्लान ट्रैवल भी कर लेंगे, मतलब कहीं कौन से गाड़ी में बैठ जाएंगे और निकल जाएंगे, उनको मालूम नहीं रहता कि कहाँ वहाँ जा रहे हैं। जहाँ भी गाड़ी रुक गई वहाँ उतर जाएंगे, वहाँ अपना जीवन जीना चालू करेंगे। कोई मानसिक आघात, कुछ झगड़ा हुआ, बलात्कार हुआ, या कोई लैंगिक शोषण हुआ, या कोई नैसर्गिक आपत्ति हुई, बहुत बड़ा हादसा हुआ, या बहुत बड़ा मतलब बिजनेस में लॉस हो गया, अब मांगने वाले बहुत लोग आ रहे हैं, है ना, पैसे मांगने वाले आ रहे हैं, वहाँ से वो ऐसा बहुत आघात कभी फेस नहीं कर सकता, वहाँ से भाग जाएगा। अब इसमें दो प्रकार है, एक तो मतलब डिसोसिएटिव फिग ये बीमारी है, दूसरा जो है कि ये जानबूझकर भाग जाना कि भाई पैसे मांगने वाले बहुत लोग रोज के रोज आ रहे और एक दिन बिना बताया वो भाग गया और वो कहाँ गया बताता ही नहीं है घर वाले लोगों को, एकदम अननोन जगह जाके वो अपना वास्तव्य कर लेता है, तो वो एक अलग है। या फिर कुछ लोग ऐसे अपने परिवार को लेके भाग जाते और वो नई जगह जाके नया अपना मतलब बसेरा करेंगे, वहाँ रहना चालू करेंगे और अपना जीवन चालू करेंगे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो है घर को छोड़ देंगे, घर के लोगों को छोड़ देंगे, अकेले निकल जाएंगे, अनप्लान ट्रैवल करेंगे, नई जगह जाएंगे, वहाँ नया नाम लेंगे और वहाँ जीना चालू कर लेंगे। नया नाम के बारे में उनको ना मालूम है कुछ कि नया नाम कौन सा लिया, वो क्या करता है, ना उनको अतीत के बारे में कुछ मालूम है। अब ये जो है इसका सामाजिक, व्यावसायिक और रिश्ते में यदि बिगाड़ आता है तो ही इसको डिसोसिएटिव फ्यूग बोलते हैं। मतलब बाकी यदि कुछ बिगाड़ नहीं आता फिर वो डिसोसिएटिव फ्यूग नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा घर से भाग जाते हैं, बहुत पैसे का मतलब दिवालियाँ घोषित किया हुआ है, बहुत पैसे देने, घर के लोगों को मालूम रहता है कि वो कहाँ है मगर बाकी लोगों को मालूम नहीं रहता और वो नई जगह जाके रहेगा। ये कुछ दिन, कुछ घंटे से लेके कुछ दिन तक चल सकती है डिसोसिएटिव फ्यूग स्टेट की बीमारी, और फिर अचानक एक दिन उसको लगता है कि घर जाना और वो घर चले आता है वापस। इसमें ऐसे भी कुछ लोग हैं कि वो जानबूझ के निकल जाते हैं, नई जगह रहते हैं, उनको मालूम है कि अपन कहाँ हैं, उनका नाम मालूम रहता है, वो बोलते भी है मगर वो ऐसा नहीं बोलते कि मैं कहाँ से आया हूँ, वहाँ रहेंगे और फिर एक दिन अचानक उसको लगेगा अभी घर वापस जाना चाहिए और वो घर वापस चले जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें है, इसको नाम दिया जाता है कि नहीं उसको सम्मोहित किया गया और लेकर गए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि उसके भूत पिशाच लग गया और वो चले गया, उसमें भूत आंग में आ गया और पिशाच लग गया इसलिए निकल गया, तो ये कुछ बोलते हैं। मगर एक बीमारी है डिसोसिएटिव फ्यूग स्टेट नाम की। ये शराब पीने के बाद में ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा शराब पी लिया और क्रॉनिक अल्कोहलिक है उसको ऐसा हो सकता है। भेजे को मार लग गई, ट्रॉमा, नीचे गिर गया, मार लग गई भेजे को और मुका मार है, मतलब अंदर ब्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिल गया ब्रेन, है ना, ऐसा स्ट्रेस आ गया, ब्रेन हिल गया, कंट्यूजन हो गया और वहाँ से फिर उसको समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ जाके रहना चालू कर दिया उसने, तो ऐसा भी हो सकता है। इसमें जब वो वापस आता है खुद होके, तो वो खुद होके वापस आएंगा तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा, उसका साइकोथेरेपी करना, काउंसलिंग करना, हिप्नोसिस करके उसको पूछना कि वो कहाँ गया था, क्या कर रहा था, कहाँ रह रहा था, ऐसा पूछेंगे उसको हिप्नोसिस करके, तो मालूम पड़ सकता है कि वो कहाँ था। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं रहता कि अपन कहाँ थे। हमारे पास में लोग लेके आते एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल के बाद में कि वो गायब हो गया था, अभी हमको मालूम पड़ा कि वो फलाने फलाने शहर में है,
वहाँ से उसका एड्रेस मिला और हम उसको लेके आए। या एक दिन वो खुद ही बोलता है कि मेरे घर पे फ़ोन करो, जो जहाँ जगह पे रहता है वहाँ, और वहाँ से फिर वो लोग फ़ोन करते हैं और उसको वापस वो उनके साथ में आ जाता है। तो डिसोसिएटिव फिक्स स्टेट है। दूसरा है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो व्यक्ति दो या दो से ज़्यादा व्यक्तिमत्व को अपने में ले लेता है और वो नया व्यक्तिमत्व बन जाता है। उसमें दो तीन व्यक्तिमत्व एक साथ में उसमें उसके दिमाग में उसके व्यक्तित्व में आ जाते हैं और उसका प्रभाव उसके बर्ताव में अपने को दिखता है कि भाई अलग अलग व्यक्तिमत्व है और वो अलग अलग व्यक्तिमत्व अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। ये पजेशन सिंड्रोम से अलग है। पजेशन मतलब आंग में आना, कोई भगवान देवी देवता आंग में आना और वैसी बात करना, या भूत पलित आना और वैसी बात करना, उससे अलग है। ये आइडेंटिटी जो है अलग अलग पर्सनैलिटीज़ वो उसके आंग में आ जाती है और वो वैसा बोलेगा वैसी बात करेगा। अतीत के बारे में ये व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं रहता उस समय, अतीत में क्या हुआ है। और ये शराब से यदि होता है तो ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नहीं है। यदि शराब से होता है तो फिट से ऐसा हो सकता है, फिट आने के बाद में, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा कि फिट आने के बाद में ऐसा हुआ क्या। ये तो बहुत बार ऐसा होता है कि मानसिक आघात कुछ हो गया, दिमाग को ब्रेन को चोट पहुंची हुई है, या और कोई दिवालिया घोषित कर दिया, दिवालिया निकल गई, मतलब दिवालिया निकल गया, फाइनेंशियल बहुत लाइबिलिटी आ गई, उस समय ऐसा हो जाता है, या ऐसा बहुत कुछ बड़ा हादसा कि जो हादसा वो सहन नहीं कर सकता और अभी वहाँ से उसको भाग जाना पड़ता है। वो भाग जाएगा या जहाँ जगह पे है वहीं उसको अलग अलग पर्सनैलिटीज़ उसके आंग में आएंगी और वो वैसा और वैसा बर्ताव करना चालू करेगा। इसका भी इलाज साइकोथेरेपी से होता है। दवाइयाँ बहुत काम में नहीं आती, इसमें काउंसिलिंग करना, साइकोथेरेपी करना, हिप्नोसिस करना, ये काम में आता है। तो आज हमने देखा डिसोसिएटिव फ्यूक स्टेट पहले और बाद में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये दोनों भी मानसिक बीमारियाँ हैं, इसका इलाज हो सकता है। लोग हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, हमारे पास में इतनी दूर नहीं आ सकते वो लोग, अकोला महाराष्ट्र में मैं हूँ, वहाँ लोग नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन फ़ोन कॉल, नीचे नंबर दिए, वहाँ फ़ोन कॉल करते लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन काउंसिलिंग कर लेते हैं या फिर पेशेंट को हमारे पास में लेके आते हैं। हमारे पास में दोनों भी सुविधा है, रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करने की सुविधा है, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करने की सुविधा है, और हमको उनको भर्ती करके हम उनका इलाज करते हैं दो अलग अलग हॉस्पिटल से। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से शेयर करो ताकि आपका भी हाथ हमारे मिशन में लग जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।